रघुवर दास के कार्यकाल में कार्यरत आईएएस अरविंद कुमार समेत अन्य के खिलाफ एसीबी जांच के आदेश। रघुवर सरकार के कार्यकाल में लिए गए फैसलों पर उठाया गया सवाल। राज्य विद्युत नियामक आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष अरविंद कुमार, सदस्य आर.एन. सिंह व बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग के मालिक गौरव बुधिया जांच के घेरे में। उद्यमियों को लाभ पहुंचाने के लिए डीवीसी का टैरिफ रोक कर रखा गया था। डीवीसी का बिजली टैरिफ ना बढ़े, इसके लिए दिए 9 करोड़ रुपए। बिजली की दर तय करने में अपनी भूमिका निभा रहा था सिंडिकेट। झारखंड की हेमंत सरकार ने रघुवर दास के कार्यकाल में कार्यरत तत्कालीन विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार समेत अन्य 2 लोगों के खिलाफ एसीबी जांच के आदेश दिए हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने पद पर रहते हुए 25,000 करोड़ रुपए की सरकारी राशि में गड़बड़ी की थी। जिन लोगों के लिए एसीबी जांच के आदेश मिले हैं, उनमें सदस्य तकनीक आर.एन. सिंह और बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग के प्रोपराइटर गौरव बुधिया है। अरविंद कुमार बिहार कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी है। पूर्व सीएम रघुवर दास के शासनकाल में राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष पद पर इनकी नियुक्ति हुई थी। सरकार बदलने के बाद उनसे त्याग पत्र ले लिया गया था। उनके खिलाफ 25,000 करोड़ रुपए की अनियमितता का आरोप है, जिसे उन्होंने तत्कालीन पूर्व सदस्य तकनीक आर.एन. सिंह और बिहार फाउंड्री के मालिक गौरव बुधिया के सहयोग से किया। आरोप है कि सभी ने मिलकर डीवीसी की बिजली दर कम कर दी, वहीं झारखंड बिजली वितरण निगम की दर बढ़ा दी। इसके लिए उद्यमी गौरव बुधिया ने औद्योगिक इकाइयों से 9 करोड़ रुपए वसूल कर दिए। इस निर्णय से बड़े औद्योगिक उपभोक्ता डीवीसी में शिफ्ट कर दिए गए और राज्य सरकार को 25,000 करोड़ से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा। इस मामले में अब राज्य सरकार ने एसीबी जांच के आदेश दे दिए हैं। लाइव लगातार के लिए रांची से डेस्क रिपोर्ट। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।